नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्वालियर, चंबल की राजनीति में व विकास में मैंने अभी तक ज्यादा दखल नहीं दिया, पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बदली परिस्थिति में ग्वालियर चंबल का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम ग्वालियर चंबल का सर्वांगीण विकास करेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि आज से 50 वर्ष पहले प्रदेश की पहचान ग्वालियर से होती थी, कोई इंदौर, भोपाल, जबलपुर की बात नहीं करता था। पिछले कुछ वर्षों में ग्वालियर चंबल उपेक्षित क्यों रहा? बुनियादी सुविधाएं तक ग्वालियर को नहीं मिली, चाहे ग्वालियर की सड़कों की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, ग्वालियर क्यों उपेक्षित रहा? इसका जिम्मेदार कौन? यह चुनाव प्रदेश के साथ ही ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव भी। मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास कार्य में एक नया इतिहास बनाएं। आप जानते हैं कि मालनपुर को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, आज क्या हाल है? जितने उद्योग लगे उतने बंद हो गए। मालनपुर को लेकर कितनी घोषणाएं हुई थी, यह तस्वीर आपके सामने है। हमने अपनी 15 महीने की सरकार में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे शिवराज व भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता इसकी गवाह है। भाजपा में हिम्मत कैसे हुई जो मुझसे 15 माह का हिसाब मांगते हैं, आज तक अपना 15 साल का हिसाब नहीं दे रहे। पहले अपना हिसाब दें। हमने वोट से सरकार बनाई, उन्होंने नोट से। बाबा साहेब ने कभी नहीं सोचा कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी। सांसद विधायक के निधन पर उपचुनाव का प्रावधान तो किया, लेकिन सौदा हो जाएगा, बोली लग जाएगी और चुनाव होंगे, यह भी भाजपा करेगी। आज भाजपा ने संविधान व प्रजातंत्र को ही दांव पर लगा दिया। मैं जनता से अपील करता हूँ, वो संविधान की रक्षा करें, अपने भविष्य की रक्षा करें। आज शिवराज जी नारियल अपनी जेब में लेकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है फोड़ देते हैं, घोषणा करने लग जाते हैं। कितनी घोषणाएं शिवराज जी ने की 15 साल में, ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं की, कितनी आज तक पूरी हुई, इसकी सच्चाई जनता जानती है। हमारे कृषि क्षेत्र की आज क्या हालत है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कृषि उत्पादन बढ़ा क्या, उसके अनुपात में मंडियाँ बढ़ी, खरीदी बढ़ी? शिवराज सरकार में प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, महिलाओं से अत्याचार में नंबर वन। आपने कभी गुजरात, केरल, तमिलनाडु का मजदूर देखा? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मजदूरों के उत्पादन वाला प्रदेश बना डाला। प्रदेश में निवेश तब आता है जब विश्वास का माहौल हो। कितने इन्वेस्टर्स सबमिट हुई, लाखों करोड़ों के निवेश के वादे किए गए, दावे किए गए, कहाँ गए निवेश? मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर किसी निवेशक को विश्वास नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से थी, मिलावट से नहीं, भ्रष्टाचार से थी। मुझ पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, मेरा राजनीतिक जीवन बेदाग है। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। मैं शिवराज जी को चुनौती देता हूँ कि आमने सामने बैठ जाएं, मैं आपको 26 लाख किसानों के नाम, उनके गांव का नाम, माफ़ कर्ज की राशि का रिकॉर्ड देने को तैयार हूँ। शिवराज जी, झूठ की राजनीति बहुत हो गई, अब यह चलने वाली नहीं है। मोदी जी के 20 लाख करोड़ में से किसी को 20 रुपये भी मिले क्या? ये मेरी सरकार में कोरोना को डरोना बताते थे, मुझे ज्योतिष बताते थे। आज सबसे कम टेस्टिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, आज स्थिति कितनी भयावह है। जो कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनाया, तो यह सभी जानते हैं कि विधायकों ने किसे अपना नेता चुना और किसे मात्र 18 वोट मिले। कौन सौदागर है, किसने सौदा किया, यह भी सभी जानते हैं। पर अब परिस्थितियां बदल गई और परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल मेरी प्राथमिकता रही। मुझे इस बात का दुख है, आप में से जिनका जन्म नहीं हुआ था 50-60 साल पहले, जब मध्य प्रदेश की बात करते थे, जबलपुर की कुछ बात हो जाती थी क्योंकि हाईकोर्ट था, पर कोई जबलपुर की बात नहीं करता था, केवल ग्वालियर की बात करता था। पिछले सालों में किस प्रकार ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा, जो मुझे आवेदन मिले, ये आवेदन मध्य प्रदेश केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाए। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने, हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं। आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगते,
नहीं उससे ज्यादा बंद हो गए। पालनपुर का क्या कितने धूम धमाके से पालनपुर की घोषणा हुई थी, कितने धूम धमाके से पालनपुर बना था, कितने उद्योगपति सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता का वायर है, मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को, मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दे, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि पहले नहीं दे पाए 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठाया। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई। आज की बनी हुई जो नोट की सरकार है, हमारे प्रजातंत्र संविधान के साथ कितना खेल हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था और दांव पर लगा है हमारा संविधान, दांव पर लगा है हमारा प्रजातंत्र उपचुनाव में। ये आज हमारे सामने चुनौती है। मेरे जैसे लोगों ने जो अपना जीवन काट लिया, पर हमारे नौजवानों के कि भविष्य के लिए हमें संविधान और प्रजातंत्र सुरक्षित रखना है। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम संविधान की रक्षा करें, अपने भविष्य की रक्षा करें। और यही आज हमारे सामने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार, शिवराज सिंह जी को नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल तोड़ लेंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जगहों में नारियल तोड़ लेंगे। तो ये आज घोषणाओं की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने 15 साल में, ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। जनता आज ये पहचान रही है, बहुत अंतर है मतदाताओं में 2 साल पहले 5 साल पहले में, बहुत अंतर है मतदाताओं में। आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है मतदाता। मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार की ये सौदे की सरकार बनी है, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कितने कैसे आज हमारा विचार बहुत दिनों बाद आए। मैंने 50 साल पहले अपने जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूं राजनीति, पर अब ये जिम्मेदारी मिली जिन्होंने ग्वालियर को बेशक रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी। तभी हमारा पूरा चंबल क्षेत्र का भविष्य बन पाएगा। हमें मध्य प्रदेश की नई पहचान बनानी, कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मैंने शुरुआत करी थी और ये जितना भी बगले, मैं कह रहा हूं कितनी बड़ी चुनौती थी। 53 लाख किसान, अभी कोई किसान आते हैं आपके मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ करो, उससे पूछिएगा कितने खाते हैं तुम्हारे, किस चीज का कर्जा था। हमने फसल ऋण का कर्जा की बात करी, ये इसको भी मैं जरा लंबे में बताना चाहता हूं। हमने फसल ऋण की करी थी, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण नहीं माफ हुआ था, वो पात्र नहीं था। जो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था, उसने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। शिवराज जी करके 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। ये मैंने शुरुआत करी। पहला किस्ता
2 लाख रुपए रिपोर्टर तक का माफ किया, 50,000 रुपए तक का चालू खाते का माफ किया। जिनका माफ नहीं किया वो जीएसटी देने वाले थे, इनकम टैक्स देने वाले थे। हमने कहा था कि पात्र नहीं, सबसे ज्यादा उच्च न्याय। खबर समय जगत के लिए ग्वालियर से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.